नमस्कार, मैं हूं साक्षी। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले अब एक नजर सुर्खियों पर। केके पाठक के फैसले को बदलेंगे सीएम नीतीश कुमार। पीएचईडी विभाग में भ्रष्टाचार को लेकर सरकार ने दिए जांच के आदेश। लोकसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग की टीम पहुंची पटना। बिहार में तेजस्वी यादव ने जन विश्वास यात्रा की शुरुआत की। क्रिकेटर मनोज तिवारी ने संन्यास के बाद धोनी को लेकर कही ये बात। इसके साथ ही बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बीपीएससी में 7 दिनों के लिए अध्यक्ष नियुक्त। बीपीएससी में 7 दिनों के लिए सरकार ने अध्यक्ष को नियुक्त किया है। दरअसल बिहार लोक सेवा आयोग के पूर्व अध्यक्ष अतुल प्रसाद रिटायर हो गए और उसके बाद सरकार ने नई व्यवस्था की और इसके लिए सामान्य प्रशासन विभाग ने सूचना जारी की। इसके अनुसार बिहार के राज्यपाल ने संविधान के अनुच्छेद 316-14 के शक्तियों का प्रयोग करते हुए इम्तियाज अहमद करीमी को अध्यक्ष का प्रभार सौंपा। ये 7 दिनों के बाद रिटायर होने वाले हैं। इन्हें 7 दिनों के लिए अध्यक्ष नियुक्त किया गया है और इनके कार्यकाल के खत्म हो जाने के बाद बीपीएससी की सदस्य प्रोफेसर दीप्ति कुमारी को अध्यक्ष का कार्यभार सौंपा जाएगा। मालूम हो कि बीपीएससी शिक्षक बहाली सहित कई अहम बहाली के काम में जुटा है। लोकसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग की टीम पहुंची पटना। चुनाव आयोग की टीम पटना पहुंची है। दरअसल ये टीम लोकसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा लेने के लिए आई है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार और निर्वाचन आयुक्त अरुण गोयल भी यहां पहुंच चुके हैं। ये टीम 21 फरवरी तक चुनाव की तैयारियों की समीक्षा करेगी। आपको बता दें कि टीम की राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीतिक दलों के साथ बैठक तय है। इसके साथ ही मुख्य सचिव आमिर सुबहानी और डीजीपी आरएस भट्टी, प्रमंडलीय आयुक्त एसपी के साथ भी बैठक निर्धारित है। वहीं इस बैठक के बाद चुनाव आयोग की टीम वापस दिल्ली लौट जाएगी। बताया जाता है कि रिपोर्ट के पॉजिटिव रहने के बाद चुनाव का बिगुल बज जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आईआईटी पटना के नए भवन का लिया जायजा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आईआईटी पटना के नए भवन का जायजा लिया और यहां दूसरे फेज के अंतर्गत नव निर्मित रेसिडेंशियल जोन, एकेडमिक जोन, हॉस्टल जोन, स्पोर्ट्स जोन आदि की प्रेजेंटेशन के जरिए सीएम को जानकारी दी गई और इस दौरान आईआईटी पटना के चेयरमैन डॉक्टर आनंद देश पांडे ने सीएम नीतीश कुमार को अंग वस्त्र भेंट किया और उनका अभिनंदन किया। मालूम हो कि साल 2007 में सीएम ने भारत सरकार के तत्कालीन मानव संसाधन मंत्री से मुलाकात की थी और पटना में आईआईटी भवन की स्थापना के लिए आग्रह किया था। पीएचईडी विभाग में भ्रष्टाचार को लेकर सरकार ने दिए जांच के आदेश। पीएचईडी विभाग में भ्रष्टाचार को लेकर सरकार ने जांच के आदेश दिए हैं। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने पीएचईडी विभाग में 4,500 करोड़ के टेंडर घपले की आशंका जताई और इसके साथ ही समीक्षा को लेकर आदेश जारी किया। इसे लेकर सम्राट चौधरी ने कहा है कि कोई भी करप्शन की कल्पना नहीं कर सकता है। उप मुख्यमंत्री ने इस दौरान लालू राबड़ी राज की याद दिलाई। आपको बता दें कि सरकार ने पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव सहित 3 मंत्रियों के विभागों की समीक्षा को लेकर पत्र जारी किया। सीएम ने आरजेडी नेताओं पर सत्ता मिलने पर गलत तरीके से धन कमाने का आरोप लगाया और इसे लेकर अब काम तेज हो चुका है। आपको बता दें कि महागठबंधन की सरकार में पीएचईडी विभाग के मंत्री राजद विधायक ललित यादव थे और डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने कहा है कि हेरा फेरी हुई है और सरकारी राशि का गबन हुआ है। नोट कैप ऐप से शिक्षा विभाग में जाएगी शिक्षकों की हाजिरी रिपोर्ट। राज्य के सभी प्रारंभिक और माध्यमिक विद्यालयों के टीचर के हाजिरी रिपोर्ट शिक्षा विभाग के कंट्रोल रूम में जाएगी और इसे लेकर माध्यमिक शिक्षा निदेशक कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को पत्र भेज दिया है। नोट कैप ऐप से शिक्षकों की हाजिरी रिपोर्ट उपस्थिति पंजी में दर्ज होने के अलावा जिला कार्यालय को भेजा जाएगा और उसके बाद जिला कार्यालय से विभाग के कंट्रोल रूम सेंटर में भेजेगा। समय पर शिक्षकों की हाजिरी सुनिश्चित करने के लिए यह फैसला लिया गया। शिक्षकों की उपस्थिति बढ़ने से स्कूलों में बच्चों की हाजिरी बढ़ी है और आपको बता दें कि राज्य के सभी स्कूलों में महीने में एक बार शिक्षकों छात्र की उपस्थिति और पठन पाठन की स्थिति का डीएम समीक्षा करेंगे। मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास सहायता योजना से घर बनाने का सपना होगा पूरा। बिहार सरकार की ग्रामीण विकास विभाग की आवास सहायता योजना से कई लोगों के घर बनाने का सपना पूरा हो जाएगा। पक्का मकान बनाने के लिए राज्य सरकार 50,000 रुपए तक की आर्थिक मदद करती है और ये सहायता राशि आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को दी जाती है। उसमें पहली किस्त में 40,000 रुपए की मदद मिलती है और उसके बाद दूसरी किस्त में 10,000 रुपए की मदद दी जाती है। आपको बता दें कि अगर लाभार्थी का आवास पूर्ण रूप से नहीं बना है
तो उसे ये सहायता प्रदान की जाती है। और इसके अलावा आवेदन को साल 2010 से पहले इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत आवास की स्वीकृति मिली हो उसके बाद इन्हें अनुदान दिया जाता है। आरा से पटना दानापुर के रास्ते चलेगी साउथ बिहार एक्सप्रेस। दुर्ग और राजेंद्र नगर के बीच चलाई जा रही साउथ बिहार एक्सप्रेस का परिचालन विस्तार किया गया है और ये अब आरा तक चलेगी। रेलवे ने यात्रियों की सुविधा का खास ख्याल रखते हुए ये फैसला लिया। राजेंद्र नगर की जगह ये ट्रेन आरा तक जाएगी, इससे कई यात्रियों को फायदा मिलेगा। ये गाड़ी शाम में 6:45 पर आरा से खुलेगी और बीटा दानापुर होते हुए 8:05 पर पटना पहुंचेगी। ये राजेंद्र नगर से दुर्ग के बीच अपने निर्धारित समय सारणी से चलेगी। वहीं वापसी में सुबह 6:45 पर राजेंद्र नगर पहुंचेगी और 7 पटना पहुंच जाएगी और उसके बाद 8:30 आरा पहुंचेगी। मूंग की खेती पर मिलेगा 80% तक का अनुदान। बिहार राज्य बीज निगम अनुमानित दर पर मूंग की खेती पर बीज उपलब्ध कराती है और इसमें एक किसान को अधिकतम 8 किलो बीज दिया जाता है। इसमें किसानों का 80% और अधिकतम 110 रुपए तक का अनुदान मिलता है। इस साल गया जिले को 10,000 एकड़ में मूंग की खेती का लक्ष्य दिया गया। गर्मा मूंग के प्रत्यक्षण में किसानों को 3,280 रुपए का अनुदान दिया जाएगा और इसके लिए निगम के पोर्टल brbn.bihar.gov.in पर अप्लाई करना होगा। गया में किसान सीधे प्रखंड कार्यालय के किसान भवन में अपने नाम का रजिस्टर करा सकते हैं और उसके बाद जिला कृषि कार्यालय इसके लिए स्वीकृति दे देगी और साथ ही OTP के आधार पर किसान नजदीकी रजिस्टर्ड दुकान से अनुमानित दर पर बीज ले सकते हैं। बिहार के गुरमीत चौधरी सेहत का रखते हैं खास ख्याल। बिहार से संबंधित रखने वाले एक्टर गुरमीत चौधरी टीवी सीरीज रामायण में भगवान राम के किरदार निभाने पर काफी फेमस हुए और फिलहाल ये अपने लेटेस्ट प्रोजेक्ट की शूटिंग के लिए पंजाब के पटियाला में है। अभी हाल ही में उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी शेयर की और पटियाला से एक तस्वीर साझा की जहां वे सुबह का धूप लेते नजर आ रहे हैं। इस दौरान उनके हाथ में सेलेरी के जूस का एक ग्लास है। इस तस्वीर के कैप्शन में गुरमीत चौधरी ने लिखा है कि गुड मॉर्निंग पटियाला और इसके साथ ही एक स्टिकर के साथ उन्होंने सेलेरी जूस क्रू लिखा है। KK पाठक को लेकर विपक्ष ने किया प्रदर्शन। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव KK पाठक के खिलाफ विपक्ष ने विधानसभा के बाहर प्रदर्शन किया। इस दौरान बिहार के पूर्व शिक्षा मंत्री ने कहा कि विभाग में कुछ गड़बड़ी हुई है, वो इसकी पोल खोलने वाले हैं। आपको बता दें कि बजट सत्र के 5वें दिन विपक्षी सदस्यों ने सदन में जमकर हंगामा किया। प्रोफेसर चंद्रशेखर ने KK पाठक के खिलाफ हाथ में तख्ती लेकर नारेबाजी की। भाकपा माले के साथ राजद और कांग्रेस के विधायकों ने सदन में नारेबाजी की है और विभाग में घोटाला होने की बात कही। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी सदस्यों ने वेल में पहुंचकर हंगामा किया। दरअसल मंगलवार को विपक्ष ने KK पाठक के मुद्दे पर सरकार को घेरने की रणनीति बनाई थी। KK पाठक के फैसले को बदलेंगे CM नीतीश कुमार। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा है कि स्कूल में शिक्षकों के आने के समय को लेकर वो एक्शन लेंगे, साथ ही KK पाठक से बातचीत करेंगे। मुख्यमंत्री ने बताया कि पहले यहाँ सुबह के 10 से लेकर शाम के 4 तक स्कूल की टाइमिंग थी, फिर से इस टाइम पर स्कूल चलेंगे। इसका मतलब ये है कि सुबह 9 से शाम के 5 तक स्कूल की टाइमिंग को लेकर KK पाठक का आदेश रद्द कर दिया जाएगा। CM ने जानकारी दी कि वे इसे लेकर अधिकारियों से बातचीत करेंगे और इस समस्या का निदान करेंगे। बिहार में तेजस्वी यादव ने जन विश्वास यात्रा की शुरुआत की। बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने जन विश्वास यात्रा की शुरुआत की और इससे पहले उन्होंने अपने माता पिता का आशीर्वाद लिया और इसके साथ अपने आवास पर भगवान शंकर की पूजा अर्चना की। इस दौरान पूर्व डिप्टी CM ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की आलोचना की। उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार के पास विकास का कोई विजन नहीं है और ना ही गठबंधन को तोड़ने का कोई रीजन है। पिछले 2 में जनता ने RJD को अपना प्यार और आशीर्वाद देकर इसे सबसे बड़ी पार्टी बनाया है। जनता हमारी मालिक है और हम जनता के बीच में जा रहे हैं। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव सभी जिलों में जाएंगे। जन विश्वास यात्रा को लेकर लालू यादव ने कहा कि हमारा पूरा आशीर्वाद है, बहुत काम किया है और आगे भी करेगा। नियोजित शिक्षकों को राज्य कर्मी का दर्जा मिलते ही मिलेगा ये लाभ। बिहार विधानसभा के बजट सत्र के 5वें दिन राजद विधायक ललित यादव ने शिक्षा मंत्री से सवाल किया। इनका सवाल था कि महिला शिक्षकों को 730 दिन मातृत्व अवकाश मिलना चाहिए और BPSC से चयनित महिला शिक्षकों को चाइल्ड केयर लीव का प्रावधान नहीं है। उस पर जवाब देते हुए बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री ने कहा है कि CM के आदेश के बाद सभी नियोजित शिक्षकों को राज्य कर्मी का दर्जा दिया जा रहा है।
राज्यकर्मी का दर्जा मिलने के बाद महिला शिक्षक को ये सुविधा मिल जाएगी और उसमें अब कोई परेशानी नहीं रह गई है। राज्यकर्मी बनने के बाद ये परेशानी का समाधान खुद हो जाएगा। राबड़ी देवी ने मुख्यमंत्री पर बोला हमला, हमारे पास आकर खुद हाथ जोड़ते थे नीतीश कुमार। विधान परिषद की नेता विरोधी दल राबड़ी देवी ने बिहार के सीएम नीतीश कुमार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार को हम लोगों ने अलग होने के लिए नहीं कहा, वो खुद साथ भी आ जाते हैं और अलग भी हो जाते हैं। हम लोग ना ही उन्हें बुलाते हैं और ना ही उन्हें भगाते हैं, वो खुद आकर हाथ पैर पकड़ते हैं और कहते हैं कि गलती हो गया, उसके बाद वापस चले जाते हैं। अभी वे खुद की मर्जी से आए हैं और पूरे परिवार में किसी को इसकी जानकारी नहीं हुई कि वो जाने वाले हैं। वहीं जांच करवाने की बात को लेकर राबड़ी देवी ने कहा है कि 25 साल से जांच ही हो रहा है, आज तक कुछ भी नहीं निकला है। प्रधानमंत्री के खास लोग जांच में शामिल है लेकिन कोई बात निकलकर सामने नहीं आई है। क्रिकेटर मनोज तिवारी ने संन्यास के बाद धोनी को लेकर कही ये बात। भारतीय टीम के क्रिकेटर मनोज तिवारी ने प्रथम श्रेणी की क्रिकेट से संन्यास ले लिया और इसके बाद इन्होंने महेंद्र सिंह धोनी के अपने प्रति रवैये को लेकर दुख जताया। मनोज तिवारी ने कहा कि वेस्टइंडीज के खिलाफ शतक लगाने के बाद वो प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए और उसके बाद उन्हें लगातार 14 मैच से क्यों बाहर रखा गया। साल 2012 के ऑस्ट्रेलिया दौरे पर भी उन्हें नजरअंदाज किया गया। मनोज तिवारी बताते हैं कि उस दौरान विराट कोहली, रोहित शर्मा और सुरेश रैना रन बनाने में संघर्ष करते नजर आ रहे थे। मनोज तिवारी ने कहा कि वो मौका मिलने पर धोनी से जरूर पूछेंगे कि उन्हें रन बनाने के बाद भी टीम से बाहर क्यों रखा गया। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है रमन कुमार, मोहम्मद शकीर हुसैन, सुकुमार सिंह बादल, श्रवण कुमार बादल, गोनर शर्मा, रवि कुमार राम, वेद प्रकाश सिंह, सदुल्ला पालवी, उमेश श्रीदेव, उपेंद्र कुमार, रंजीत मिश्रा, राजीव कुमार। उसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके अनुसार स्कूल की टाइमिंग क्या होनी चाहिए? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज, और साथ ही अगर आप YouTube से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप Facebook से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूले। धन्यवाद।